नमस्कार मित्रों, मैं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आप टीवी 20 न्यूज पर बने रहिए, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज। तो खबर काशीपुर से है, जहां पूरे राष्ट्र में भगवान रविदास की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। श्रद्धा भाव शांतिमय ढंग से भी यहां पर मनाई गई, जिसके चलते देवों की भूमि कहलाने वाले उत्तराखंड राज्य के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में अनेक गांव पतरामपुर, रामनगर, वन श्यामनगर, बावरखेड़ा, महुआ, बड्डाबरा सहित भगवान रविदास की शोभा यात्रा निकालकर तो कहीं सुंदर पाठ कर जयंती मनाई गई। वहीं गांव धर्मपुर दाढ़ीपुरा में भी ऐसी समाज के ग्रामीणों द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी संतों के संत महासंत संत शिरोमणि भगवान रविदास जी की 647वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई, श्रद्धा भाव एवं शांतिमय ढंग से मनाई गई, जिसमें गाँव की अनेक महिलाओं के साथ छोटे छोटे बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए मंदिर पहुंचकर भगवान रविदास जी के भजन गाए और पूजा अर्चना करते हुए झंडा साहिब को पुरानी पराई की जगह नई पराई पहनाकर जयंती मनाई, जिससे पूरा गांव भगवान रविदास जी के जयकारों से गूंज उठा। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है वहां के स्थानीय लोगों ने, आप सुने। सर्वप्रथम सभी देशवासियों और क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से संत शिरोमणि रविदास जी के आज पावन त्यौहार पर मैं अपनी तरफ से शुभकामना बधाई देता हूँ, और विशेष करके मैं अपने इस क्षेत्र के उन लोगों को जो कि संत गुरु रविदास जी से प्रेरणा लेकर के हर वर्ष अपनी नेक कमाई से चंदा इकट्ठा करके सभी लोगों का इसमें चंदा होता है, और जो है ये बहुत भव्य भंडारा मनाते हैं, और फिर शाम को रामायण शुरू करते हैं और सुबह को प्रसाद वितरण किया जाता है। बड़े हर्ष उल्लास के साथ में इसमें महिला कुछ मिल करके भाग लेते हैं। संत गुरु रविदास जी एक ऐसे महान शख्सियत थे जिन्होंने बूढ़ी माता को जड़ से नकारा है। उनका कहना था, ऐसा चाहूँ राज में सभी को मिले, जहाँ सभी को मिले अन्न और सब छोटे बड़े सब बसे, रविदास रहे प्रसन्न। रविदास जी ने भाईचारा का ही संदेश दिया है, और आज हम भाईचारे के संदेश में आज देख रहे हैं कि मेरे हर गांव का हर बच्चा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और संत गुरु रविदास जी का जन्मदिन बहुत हर्ष उल्लास से मनाते हैं। इनका नाम रविदास जी क्यों लिखा गया और क्यों इनको रविदास का श्रेणी मिली, ये जिस दिन इनका जन्म हुआ था मांडू शहर में उस टाइम पे आज का ही दिन चुनत था माघ की पूर्णिमा को, और दिन रविवार का था, इस वजह से उनका नाम रविदास जी पड़ा। यह रवि का मतलब होता है सूर्य की रोशनी, हर व्यक्ति के लिए रोशनी देती है, नहीं वो ऊँचा नीच नहीं देती, इसीलिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। मीडिया बंदे भी सबके लोग अपने बहुजन समाज पार्टी के मेरे वरिष्ठ कार्यकर्ता मेरे साथ में पहुँचे, मैं उनका भी आदर सम्मान करते हैं। जय भीम, नाम बुधाए, जय संत। मैं सबसे पहले मीडिया बंदों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो अपने कीमती समय निकाल कर यहाँ पहुँचे हैं। तो अब मैं बताना चाहता हूँ कि आज जो है हम रविदास जी की 647वीं जयंती मना रहे हैं, और रविदास जी का कहना था कि समाज में बुराइयों से व्याप्त बुराइयों को ख़त्म करने के लिए उन्होंने की अहम भूमिका रही है, और सच्चे मन वाले आदमियों में व्यक्तियों में प्रभु का वास होता है। जो छल कपट वाले लोग होते हैं उनके मन में प्रभु का वास नहीं होता है, और रविदास जी ने बहुत सारी कुरीतियों को दूर करने के लिए योगदान दिया है और शोषित दलित पीड़ित परिवारों को आगे बढ़ाने का काम किया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज संत शिरोमणि रविदास जी के जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, और हमारे जसपुर क्षेत्र में धर्मपुर धारीपुरा रामनगर बंद और श्यामनगर मतलब ब्रह्मोबरावरा, इसी क्रम में मतलब पूरे विधानसभा जसपुर में अधिकांश जगहों में मनाई जाती है, और इसके साथ साथ पूरे भारत में और पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ हमारी जनसंख्या है, जहाँ जहाँ हम लोग ऐसे समाज के लोग हैं वहाँ मनाई जाती है, और बड़े ही अच्छे तरीके से मनाई जाती है, और यहाँ तक कि रविदास लीला भी की जाती है, जुलूस भी निकाला जाता है, और जहाँ तहाँ भंडारे भी होते हैं, और वो सब अपने ही द्वारा किए हुए जो एकत्र किया जाता था उसके माध्यम से ये लोग सब करते हैं। हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती मनाते हैं, और जयंती में हम लोग जुलूस में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और हम चाहते हैं कि
हमारे गुरु ये हमारे भगवान हैं, इन्होंने हमें प्रेरणा का स्रोत दिया है, हमें जगाया है, हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिया है, दिखाया है। हम इनकी जो है पूरी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए भगवान है, हमारे लिए साक्षात्कार है। तो हम क्यों ना इनकी जयंती मनाएं और क्यों ना इनके जुलूस निकालें, क्यों ना इनकी रविदास लीला मनाएं। तो पूरे क्षेत्र में हमारा आज का जो दिन है बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ सब जगह में बाबा साहब की रविदास जयंती मनाई जा रही है, और बहुत ही उत्सुकता के साथ, बहुत ही खुशी के साथ सब लोग आज सभी वर्ग के लोग आज यहाँ हम लोग धर्मपुर में एकत्र हुए हैं। धर्मपुर में सभी वर्गों के लोग यहाँ एकत्र हैं, यहाँ भंडारा चल रहा है और यहाँ जुलूस भी निकाला गया है, और यहाँ हम लोग बहुत ही बहुत खुश है, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर हम लोग रविदास जी की जयंती मना रहे हैं। धन्यवाद।